15 दिन में 16 लड़की बदलने वाले लड़के मुझे कहते हैं तू रड्डी है। तो क्या गलत कहते हैं? तो हिलाओ दोस्तों, सॉरी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं हाँ भैया जी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एलिस भाई रेशम सेना के लफड़ा के बारे में। ये सारा लफड़ा का जड़ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है मुन्नावर। मुनावर को एलविस भाई एक क्रिकेट मैच के दौरान में गले लगा लिए और भाई गले लगाने का फोटो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है और इस पे इतना ज्यादा युद्ध अभी चल रहा है। तो इस सब पे बात होगा और हम देखेंगे कि कौन गलत है, हमारे एलविस भाई या रेंडम भाई। इस सब पे चर्चा करने से पहले देखते हैं उस नहर के कछुए को जहाँ भाई सब हकते हैं, जिसका नाम है घंटा ग्राम। लड़का जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो वफा ना हो तो वो एक रुपए का भी नहीं। 10 जगह मुंह मार के इसको चाहिए वफा, अबे चल जल्दी हो दफा। किसी लड़की को गर्लफ्रेंड तब बनाओ जब आप उससे शादी करने की हिम्मत रखते हो। और जब हमारी शादी करने की हिम्मत होती है तो आपकी तो कान फट जाती है और उसमें से आवाज आता है कि पापा नहीं मानेंगे। Fucking ugly bitch. भाई एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, स्त्री का जो प्रेम होता है वो परिस्थितियां पे निर्भर करती है, जबकि पुरुष का प्रेम सिर्फ स्त्री पे है। मर्द का दिल सिर्फ एक लड़की के लिए होता है बट उसकी आंखें सब पे होती है। रिलैक्स दोस्तों, अपने बाप और भाई की हरकतों के बारे में बता रही है। Fucking ugly bitch. तो चलो भाई फिर से उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसके वजह से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो क्या हुआ, एलविस भाई जब मुनावर को गले लगाया तो रेंडम सेना को भाई बहुत बुरा लग गया। हालांकि लगना भी चाहिए भाई, हमें भी लगा पर्सनली, आप पूछो तो हम भी सोचे साला जो हमारी सीता माँ के बारे में अभद्र टिप्पणी किया उसके साथ हमारे एलविस भाई देखो गले लग रहे हैं। लेकिन भाई वो गले लगाना सिर्फ एक चिढ़ाने के मकसद से था, मतलब मजे लेने के मकसद से, लेकिन हम लोग बिना कुछ सोचे समझे एलविस भाई को ट्रोल करने लगे। भाई जो भी लोग अभी सोशल मीडिया पे एलविस भाई को फेक हिंदू, गद्दार हिंदू बोल रहे हैं, तो उसको बता दे भाई एलविस भाई के आप चैनल पे जाके पुराना वीडियो देख ले भाई, उसका अच्छा खासा फॉलोवर्स था जिसमें हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सबका ऑडियंस था। फिर भी वो सीए और एनआरसी जो आया था कानून, तो उसका जो आंदोलन हो रहा था, सॉरी कानून नहीं आया था, उसमें भाई उस समय खुल के बोलने वाले एलविस भाई है, लव जिहाद पे खुल के बोलने वाले एलविस भाई है किसी के अंदर दम? हाँ भाई रेंडम सेना भी बोलते हैं, लेकिन भाई वो रेंडम सेना फेस छुपा के बोलते हैं। भाई एलविस भाई को इतना पैसा वैसा नेम फेम हर चीज था, फिर भी उसको क्या जरूरत था भाई, उसको कौन सा कीड़ा काटा था वो हिंदुओं के लिए ऐसे वैसे करने लगा? तो भाई ये नहीं बोल रहे हैं रेंडम सेना गलत किया ये वो, भाई एक वो सिचुएशन ही ऐसा था सो हो गया ये। और हाँ ये हम भी मानते हैं एलविस भाई जो रेंडम सेना का पिक एड्रेस मोबाइल नंबर लीक कर दिया बहुत गलत किया भाई, ये हम पर्सनली बोलते हैं शायद ये नहीं करना चाहिए। वो भी भावनाओं में आके वो भी बोले, रेंडम सेना भी एलविस भाई के माँ बहन सबको गाली दिया है ना। तो भाई लास्ट में हम यही कहेंगे कि देखो भाई सभी बिरादरी एक होके रहो, यहाँ पे लड़ हम लोग रहे हैं है ना, रेंडम सेना एलविस आर्मी अभी दोनों लड़ रहा है, और सच बताया तो हम दोनों को फॉलो करते हैं, दोनों हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है थोड़ा आप लोग सोचो, मजे कौन ले रहा है आप लोग सोचो। तो ये लड़ के झगड़ के हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, चलो एक सिचुएशन था जिसके लिए एलविस भाई कल माफी भी मांग लिए। तो ये बात खत्म करते हैं और सब साथ में रहते हैं भाई, आपस में टूटना नहीं, ये उंगली से कुछ करेंगे तो किसी को कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे कुछ नहीं, लेकिन यही उंगली बांध के अगर करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक तरह से हम सभी बिरादरी उंगली है, अगर हम लोग अलग हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई है ना। तो हम लोग को साथ रहना है हमेशा, और हमें किसी भी धर्म से ये मतलब अगर किसी को ये लगता हो सो मुस्लिम धर्म से या अदर कोई भी धर्म से क्रिश्चियन वगैरह हेट करता है तो भाई हम किसी को हेट नहीं करते हैं, जो हमारे धर्म को सही बोलेगा वो मेरे लिए सही है, जो हमारे धर्म को बुरा बोलेगा तो उसका भाई हम विरोध करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे भी है अदर धर्म से, हम सिर्फ अपने सनातन के लिए सनातनी है, सनातन धर्म के लिए जीते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भाई प्लीज आप लोग आपस में मत लड़ो, 200-400 आदमी जो भी मेरा देखेंगे तो प्लीज इसमें से कुछ एलविस का भी फैन होंगे, कुछ रेंडम से ना, कुछ मुनावर का भी, सभी का फैन होंगे। तो भाई आपस में हमें लड़ना नहीं, सब साथ में रहेंगे, साथ में भाई आगे बढ़ो, बस इतना ही आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कितने भाई को पसंद है, क्या अपना ओपिनियन दीजिएगा, अपना राय दीजिएगा।